यार एक दो घंटे भी गेम खेले नहीं कि स्मार्टफोन फ़ोन कम और हीटर ज़्यादा लगने लगता है। बट आज मैं आपको कुछ सेटिंग्स दिखाऊंगा जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो भाई आप फ़ोन को लेकर कुछ भी कर लो, आपका फ़ोन हीट कभी भी नहीं होने वाला। तो अभी से इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि वीडियो अपलोड करते ही टूंग करके आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में जो ट्रिगर आता है, इसके लिए आप जो भी गेम खेलते हो, पबजी, फ्री फायर या फिर सीओडी, उस गेम को ओपन करके ग्राफिक्स को मिनिमम एंड जो आपका एफपीएस है उसे आप मिड रखिए, मतलब कि मीडियम। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, जब भी आप लो ग्राफिक्स करके और एफपीएस को मीडियम रख के गेम्स खेलेंगे ना, तो आपका जो बैटरी एंड प्रोसेसर है उसमें लोड कम आएगा एंड आपका फ़ोन हीट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप लगातार गेम खेलते रहेंगे तो। अब सेकेंड जो ट्रिगर आता है, इसके लिए हम लोग एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो कि मुझे लगता है हर एक के फ़ोन में होना चाहिए जिसका भी फ़ोन हीट होता हो। और एप्लीकेशन लिंक को लेकर भाई कोई भी टेंशन मत लो, आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी फ्री में। आप वीडियो देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करके फाइंड हीटिंग एप्लीकेशंस पे टैप कर देना है। तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको फाइंड करके दे देगा आपके फ़ोन में वो कौन कौन से एप्लीकेशंस है जिसके वजह से आपका फ़ोन हीट हो रहा है। उसके बाद आपको ऊपर एक कूल डाउन का भी बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस एप्लीकेशन को हो सके तो दिन में एक दो बार यूज़ कर लिया कीजिए, इससे बेनिफिट आपको ही ज़्यादा मिलेगा। अब बढ़ते ट्रिक नंबर थ्री की तरफ, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग गलती कर ही देते। हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगा के ही फ़ोन को यूज़ करते, गेम्स खेलते, इससे बहुत ज़्यादा आपका फ़ोन हीट होता है। आपको खतरा रहता है कि फ़ोन ब्लास्ट हो जाए एंड आप कितना भी महंगा वाला फ़ोन क्यों ना खरीद लो, हर एक फ़ोन के लिए चार्जिंग पे लगाकर यूज़ करना हार्मफुल है। और इस तरह से फ़ोन के यूज़ करने से ना चार्जिंग पे लगा के सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका चार्जिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बैटरी हीट होने लगेगा एंड आपका बैटरी बैकअप भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा या फिर बेकार मिलने लगेगा आपको अगर आप लगातार इस तरह से अपने फ़ोन को यूज़ करते हो। अगर आपको पता नहीं है नॉर्मल चार्जर से फ़ोन को फास्ट चार्ज कैसे करें ताकि आपको चार्जिंग पे लगाकर फ़ोन को यूज़ करना ना पड़े, तो आई कार्ड में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हो, वो भी बिना किसी फास्ट चार्जर के। आप बात कर लेते हैं गोल्डन टिप की, जो कि आपको डेफिनेटली यूज़ करना ही करना है। देखिए, जब भी हम लोग गेम खेलते हैं तो उस गेम के साथ साथ हमारे रिसेंट ऐप के अंदर और भी सारे एप्लीकेशन पड़ा रहता है। तो आप क्या कीजिए, उस गेम को छोड़कर जितने भी एप्लीकेशन आपके रिसेंट ऐप के अंदर है उन सभी एप्लीकेशन को एक एक करके रिमूव कर दीजिए सिर्फ गेम को छोड़कर। तो इससे आपको तीन फायदा मिलेगा। नंबर वन, आपका प्रोसेसर सही से प्रोसेस कर पाएगा तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। नंबर टू, आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा एंड नंबर थ्री, आपका फ़ोन हीट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई इस चीज को आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है और इन सभी चीजों को अगर आप एक साथ अप्लाई करेंगे तो भाई आप कुछ भी कर लो अपने फोन को लेकर, उसमें हीटिंग इशू आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आप बात करते हैं ऐप लिंक की, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको नोटबुक करके लिखा हुआ मिलेगा, उसके पास में जो लिंक है उसी लिंक से आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी से इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और कमेंट करके बता देना इससे आपका हीटिंग इशू सॉल्व हुआ या फिर नहीं, ताकि उससे दूसरों को भी हेल्प हो जाए। और अगर आपने अभी तक टेक्नो माइंड उज्ज्वल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोस अपलोड होती आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।